सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार कार्यक्रम पर सियासत तेज, राजद और कांग्रेस ने साधा निशाना। सीएम के जनता दरबार कार्यक्रम पर विपक्ष निशाना साध रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सोमवार को दिल्ली से पटना लौटे। जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम पर हमला बोलते हुए राजद नेता ने 13 करोड़ की आबादी वाले राज्य में सप्ताह में 200 लोगों से मिलने के फैसले को गलत बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह से कितने लोगों को फायदा होगा। तेजस्वी ने कहा कि हम पटना में रोज 200 लोगों से मिलते हैं, जबकि इस बार जिलों से लोगों को अधिकारियों के साथ आने की व्यवस्था की गई है। उन अधिकारियों के पटना में ठहरने, खाने, आने जाने के खर्च सरकारी खजाने पर बोझ बनेगा। तेजस्वी ने इस कार्यक्रम को केवल एक दिखावा करार दिया है। सुशील मोदी का शादियों में अश्लील डांस गानों पर फूटा गुस्सा। बोले, शराबबंदी की तरह इस पर भी रोक लगाए सरकार। बिहार में कोरोना गाइडलाइन के बावजूद भी भोजपुरी और मगही भाषा में बनने वाले अश्लील गानों पर लगातार लोगों के ठुमके के मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच भाजपा के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने आपत्ति जताई है। यही नहीं, उन्होंने इस पर रोक ना लगाने को लेकर नीतीश कुमार को भी लपेटे में लिया है। इसके साथ सुशील मोदी ने बिहार सरकार से अपील भी की है कि ऐसे गानों पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। इस बाबत भाजपा सांसद ने लगातार कई ट्वीट किए हैं। उन्होंने लिखा है, जब बारात प्रशासन के अनुमति के बिना नहीं निकलती, तब प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बारात में कोई भी व्यक्ति अश्लीलता, शराबखोरी और दबंगई दिखाने का दुस्साहस ना कर सके। बिहार को शर्मसार करने वाली ऐसी प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगना बेहद जरूरी है। पटना में अगस्त से इन 9 वार्डों में शुरू होंगे जन सुविधा केंद्र। एक छत के नीचे मिलेंगी सभी सुविधाएं। पटना में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अगस्त महीने से कई सेवाओं की शुरुआत पटना में होने वाली है। अगस्त के पहले सप्ताह से पटना में 9 जन सुविधाएं केंद्र की शुरुआत की जाएगी। स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से इस इलाके के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके लिए एक निजी एजेंसी का चयन भी कर लिया गया है। पहले चरण में 9 वार्डों में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ होगा। दूसरे चरण में 18 जन सुविधा केंद्र का निर्माण जल्द ही शुरू होगा। निजी एजेंसियां जन सुविधा केंद्र का संचालन भी करेंगे। इसके साथ ही जिला प्रशासन से जुड़ी सभी जनोपयोगी पोस्ट ऑफिस से भी जुड़े सभी तरह के कार्य एक छत के ही नीचे कराए जा सकेंगे। जनसंख्या नियंत्रण पर अपने ही घर में घिरे सीएम नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री ने उठाया सवाल। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौके पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पॉपुलेशन लॉ का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। योगी आदित्यनाथ सरकार के इस फैसले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य कुछ करना चाहे तो करे, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। मेरा मानना है कि अगर घर की महिला पढ़ी लिखी होगी तो जनसंख्या खुद ही नियंत्रित हो जाएगी। नीतीश कुमार ने उदाहरण देते हुए कहा कि चीन में पहले एक फिर दो बच्चों की बात अब क्या हो रहा है। मेरा साफ साफ मानना है कि महिलाएं अगर पढ़ी लिख जाएंगी तो अपने आप जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी। मुझे लगता है कि 2040 तक बिहार में जनसंख्या पर पूरी तरीके से नियंत्रण हो जाएगा। जाहिर है, नीतीश कुमार के इस बयान से साफ साफ जाहिर हो रहा है कि जनसंख्या कानून को लेकर एनडीए के भीतर भी गहरे मतभेद हैं। हालांकि अब जदयू के भीतर भी इसको लेकर एक मत न होने की बात सामने आ रही है। वहीं बिहार में सहयोगी भाजपा भी नीतीश की बातों से सहमत नहीं है। मुंगेर बंदूक कारखाना। जाने शहनवाज हुसैन ने ऐसा क्या कहा कि होने लगे दिन बहुरने के एहसास। मुंगेर के ऐतिहासिक बंदूक कारखाना के दिन दोबारा बहुरने वाले हैं। कारखाने का निरीक्षण करने के बाद कहा गया कि बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने इस इंडस्ट्रीज को फिर से जीवित करने की कोशिश की है।
सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि इस इंडस्ट्री को फिर से जीवित करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने बंदूक कारखाना में बने पंप गन सहित कई हथियारों का मुआयना कर वहां के कारीगरों की प्रशंसा की और कहा कि ये काफी कुशल है। यहाँ के कारीगर सीमित संसाधन में भी बेहतरीन हथियारों का निर्माण कर सकते हैं, जो इन जगह की विशेषता है। शहनवाज हुसैन ने निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत कहा कि मैं पहली बार मुंगेर के बंदूक कारखाने को देखने आया हूँ। मुंगेर का बंदूक कारखाना में निर्मित बंदूक पूरी दुनिया में मशहूर है। इस पर इंडस्ट्री को काफी मदद की जरूरत है। उद्योग मंत्री ने कहा कि बिहार में पहले से जो भी उद्योग है उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, नए उद्योग लाने हैं और नीतीश कुमार की सरकार में बिहार में उद्योग का जाल बिछाना है। बड़ा खुलासा, जाने बिहार के बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह खाते से कैसे गायब हुए 89 लाख रुपए। कौन है मास्टरमाइंड? बिहार के महाराजगंज के भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के क्षेत्र विकास निधि से 89 लाख रुपए गायब करने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ठगी के इस सबसे बड़े मामले में झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र यानी तीन राज्यों के जालसाजों की संलिप्तता सामने आई है। सांसद के क्षेत्र विकास निधि का खाता छपरा के बैंक ऑफ बड़ौदा में है। खाते के चेक को क्लोन कर जालसाजों ने 89 लाख रुपए निकाल लिए थे, जिससे सनसनी फैल गई थी। इस मामले में अब तक 6 जालसाजों की संलिप्तता पाई गई है। इनमें जालसाज विनय कुमार सिंह, जगजीत सिंह को बीते अप्रैल महीने में पूर्वी सिंहभूम से गिरफ्तार किया गया था। पटना हाई कोर्ट, शिक्षकों को बीमा योजना का लाभ देने पर गौर करे सरकार, 3 महीने के अंदर फैसला ले स्वास्थ्य विभाग। पटना हाई कोर्ट ने कोरोना काल में शिक्षकों व संविदा कर्मियों के मदद के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर की तर्ज पर बीमा योजना का लाभ दिलाने संबंधित एक याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने इस मामले को लेकर सरकार को समकक्ष रखने को कहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को 3 महीने के अंदर उचित कार्रवाई करने का आदेश भी दिया गया है। इस मामले की सुनवाई डिजिटल मोड पर की जाएगी। मामले पर विचार करने के बाद नियमानुसार फैसला लिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अगस्त से अक्टूबर महीने के बीच पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर हर संभव तैयारी में जुटी है। आयोग ने तय किया है कि प्रस्तावित पंचायत चुनाव में किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों के लिए मतदाता सूची में नाम होना ही चुनावी मैदान में उतरने के लिए प्रत्याशी की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 21 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति चुनावी मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों के प्रस्तावक भी नहीं बन सकेंगे। इस तरह पंच और वार्ड के चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए संबंधित पंचायत का मतदान होना बेहद जरूरी होगा। पूर्वी चंपारण में सोमवती नदी का बांध टूटा। कल्याणपुर प्रखंड के कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। मोतिहारी में लगातार बारिश व नेपाल से पानी छोड़े जाने के साथ ही पूर्वी चंपारण जिला में बाढ़ का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। अब छोटी छोटी नदियां भी उफान मारने लगी है। कल्याणपुर प्रखंड से होकर गुजरने वाली गंडक नदी की सहायक नदी सोमवती का बांध पानी के अत्यधिक दबाव से टूट गया है। प्रखंड के रघुनाथपुर पंचायत स्थित कोनिया गांव के समीप सोमवती नदी का बांध करीब 20 फुट तक टूट चुका है, जिस कारण नदी का पानी तेजी से बस्ती की ओर बढ़ रहा है। स्थानीय ग्रामीण अपने स्तर से क्षतिग्रस्त बांध का मरम्मत करने में जुटे हैं। बताया जाता है कि कोनिया गांव के समीप सोमवती नदी का बांध काफी जर्जर था, जिसकी जानकारी मुखिया पूनम देवी ने 1 वर्ष पूर्व ही अंचलाधिकारी समेत जिला स्तरीय वरीय अधिकारियों को दे दी थी। साथ ही बांध की मरम्मत कराने की मांग भी की गई थी,
लेकिन अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। इस कारण मुखिया ने खुद के निजी खर्च से बांध की मरम्मत करवाई। अब एसपी करेंगे जिलों में तैनात पुलिस महकमे के क्षेत्रीय लिपिकों को निलंबित। बिहार पुलिस मुख्यालय के कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि बिहार सरकार सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के तहत पुलिस क्षेत्रीय लिपिक संवर्ग के कर्मियों के विरुद्ध जिस कार्यालय में पदस्थापित है उस कार्यालय के आरोप के लिए सही कारण न रहने पर पुलिस अधीक्षक कोटि के पदाधिकारी को ही अनुशासनिक पदाधिकार के रूप में प्राधिकृत किया जाता है।